ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने साल 2013 में लॉ डिपार्टमेंट में हुई नियुक्तियों में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए आज जम्मू में प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इसकी जांच की मांग की है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने साल 2013 में लॉ डिपार्टमेंट में निकाली गई 8 पोस्टों के बदले में 60 नियुक्तियां करने में हुई कथित धांधली की जांच करवाने और इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की। वो कहते 317 डाल करके मिला क्या? ये 8 पोस्ट है, 4 कश्मीर के अंदर निकली, 4 जम्मू के अंदर निकली लॉ डिपार्टमेंट 2013। सरकार पीडीपी बीजेपी ला मिनिस्टर 4 जम्मू के लगने थे, 4 कश्मीर के लगने थे, लगाए 60 पोस्टें, 8 तो लगाइया 60। कोई माई बाप है उन पोस्टों का? किसी को पूछा गया? किसी को पूछा किसी ने? कोई पूछने का प्रश्न नहीं हुआ? कोई जिम्मेवारी नहीं थी? जो आज बड़े बड़े दावे करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे टाइम के अंदर बड़ी सुरक्षित व्यवस्था का निर्माण किया गया, पारदर्शिता की गई, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, अरे तभी तो पत्थरबाज पैदा हुए। जिनके नाम लिस्टों के अंदर आने थे वो नहीं आए। उस समय का लॉ मिनिस्टर एक क्षेत्र के 56 लोग लगा दिए गए, एक गांव के, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ये प्रजातंत्र है, ये 370 है। तभी तो पत्थरबाज पैदा हुए, तभी तो उग्रवादी पैदा हुए, तभी तो उग्रवाद आया, तभी पाकिस्तान की इंटरफेरेंस हो गई, तभी हुर्रियत पैदा हुई। लेकिन आज 370 के बाद आज देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से प्रश्न करने का प्रयास करना चाहता हूं कि तुम्हारी रजीम के अंदर 8 पोस्टें निकली, 60 लोग लगे डिपार्टमेंट कौन सा? ला। और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय, श्रीमान एलजी महोदय, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, उन्होंने तो गुंडागर्दी करी, आज आप उन लोगों को उठा करके बाहर फेंकने का प्रयास करो। मैं लॉ डिपार्टमेंट कह रहा हूं, बंदों की लिस्ट भी अगली बार बाहर छाया करूंगा, जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के माध्यम से जिनके इंटरव्यू नहीं हुए वो प्रमोशनें हो गई जी, वो डिप्टी लॉ सेक्रेटरी बैकडोर अपॉइंटमेंट। कोई एक किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज जो लोग बैठे हुए हैं वो बैकडोर अपॉइंटमेंट के माध्यम से लॉ डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। मैं इंक्वायरी की मांग करना चाहता हूं। इंक्वायरी क्या है? पर्दाफाश है। मैं लिस्टें भी बाहर निकालूंगा, लिस्टें निकाल करके आपके सामने प्रकाशित करूंगा कि जो लोग कहते थे 370 हटने के बाद बाहर के लोग आ गए, कहाँ आए यार, गुंडागर्दी आई, आपने भाई भतीजा बाद आया, एक मंत्री ने अपने परिवार के ही लोग लगा दिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग लगा दिए। कहते हैं 370 के बड़े फायदे थे, ये था 370। और उग्रवाद पैदा हुआ, पत्थरबाज पैदे हुए, जब लोगों ने अप्लाई करा नौकरी नहीं मिली, उग्रवादी हो गए, जब लोगों ने अप्लाई करा नौकरी किसी और को दे दी गई, नंबर 95%, उसको नौकरी नहीं मिली, किसको मिली? जो मंत्री का भाई था, मंत्री का बेटा था, एक बहुत बड़ी चीफ मिनिस्टर, उसके भी भतीजे को मिल गई। आप मुड़ मुड़ रेवड़ियां बंडा अपने आनू, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये मैंने पोस्टों की लिस्ट आपके सामने सन्मुख बाहर निकाली है, अगली लिस्ट जो निकालूंगा अपॉइंटमेंट्स की निकालूंगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, वो बाहर लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आज निकली हुई है। और उस समय के लोग उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय डुल्लू जी, आपसे मांग करना चाहता हूं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी कोई कसम उठाने का प्रयास नहीं कर सकता, बिल्कुल दयानतदार आदमी है, लेकिन आपकी दयानतदारियां
तब लोग जनता के सामने, मुझे पूरा विश्वास है ये जो मैंने बार बात निकाली है, कौन दोषी है, बैकडोर अपॉइंटमेंट वाले कौन है, इनको बाहर निकालना चाहिए। और इंसाफ जम्मू कश्मीर के नौजवान फिर विचार कर सके, मेन स्ट्रीम में आने का प्रयास कर सके। उन सियासतदानों ने जो आज कहते हैं चुनाव का दिन है, आया चुनाव, किस लिए चुनाव लड़ना? गुंडागर्दी करने के लिए? किस लिए चुनाव लड़ना है? फिर बैकडोर अपॉइंटमेंट करने के लिए? किस लिए चुनाव लड़ना है? लोगों के हकों को छीनने के लिए, नौजवान अधिकारियों को उनसे वंचित करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है इस तरह का चुनाव लड़ने के लिए उन पार्टियों को जो इस तरह की बैकडोर अपॉइंटमेंट के अंदर शामिल है। इसलिए मांग करना चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब, उन सब लोगों को बाहर निकालो। नाम मैं आपको लिस्ट, अगली लिस्ट जब भेजूंगा तब भी आप सब लोगों को बुलाऊंगा कि चीफ सेक्रेटरी को मैंने लिस्ट भेज दिया भाई, ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है। और मैं उम्मीद करता हूं एक ईमानदार चीफ सेक्रेटरी महोदय, एक LG साहब जो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो इन सबको निकालने का प्रयास करेंगे।